FM, London Calling, सोच लो कोबलस्टोन स्ट्रीट, आइकॉनिक लैंडमार्क और एक सिटी जो एनर्जी से भरा हुआ है। हम ले जा रहे हैं आपको अपनी जर्नी पर जहां हर मोमेंट एक मूवी का सीन लगता है। इन दिस सीरीज वी विल बी एक्सप्लोरिंग द ग्रैंडियर ऑफ बकिंघम पैलेस, द हिस्टोरिक विंडसर कैसल, द टाइमलेस चार्म ऑफ ऑक्सफोर्ड और शर्लक होम म्यूजियम की मिस्ट्री। और ये तो बस शुरुआत है, ट्रस्ट मी इस सीरीज का एक भी सीन मिस करना नहीं चाहोगे। वैसे मैंने एक अमेजिंग कोट पढ़ा था रिसेंटली, द गोल्ड शुडंट जस्ट बी अ गुची बैग बट अ पासपोर्ट फुल ऑफ स्टैम्प। हमने ऑलरेडी एज ए कपल फ्रांस और इंडोनेशिया एक्सप्लोर किया है और अब बारी है यूके की। सो लेट्स डाइव इनटू अनदर डे इन द लाइफ ऑफ क्यूटिपल। जर्नी के पहले दिन का सीन कुछ ऐसा था, थोड़ी एक्साइटिंग, थोड़ी टेंशन और बहुत सारी पैकिंग। मेरे ऑफिस रूम बिल्कुल गोडाउन बन गया था, क्लोथ्स, बैग्स, न्यू परचेज सब जगह बिखरे हुए थे। ये बैग है हमारा शू बैग, जिसमें हम स्पोर्ट्स शूज, ट्रेकिंग शूज, निकी के बूट और कुछ होम चप्पल कैरी करने वाले। शू को सेफली कैरी करने के लिए हमने शू कवर भी बाय किए थे फ्रॉम अमेज़न। आप देख सकते हो फाइल्स और पासपोर्ट भी इधर उधर पड़े हैं जो हमें पैक करने थे। हमने अपने ट्रैवल स्मूथ बनाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजर्स भी बाय किए ताकि सब कुछ इजीली एक्सेसिबल हो और पैकिंग भी एकदम सॉर्टेड रहे। पैकिंग के साथ साथ हम दोनों ऑफिस का काम भी कर रहे थे और ये सब इसलिए ज्यादा हेक्टिक हो रहा था क्योंकि हम 10 दिन के लिए दूर जा रहे थे, तो सारे डिलीवरेबल्स भी कंप्लीट करने थे। पैकिंग की बात करें तो हमने लंदन के समय के लिए मल्टीपल कैप्स भी पैक किए हैं। ऑफिस और पैकिंग के बीच जिसके हुए हमने फाइनली अपनी पैकिंग कंप्लीट किया 2 बजे रात को। सुबह सुबह वी वर ऑल सेट टू लीव फॉर द एयरपोर्ट। Thanks to Air India's generous baggage policy of 46 kg per person, हमने अपना सारा सामान 4 बैग में पैक किया। लगेज इतना ज्यादा था कि एक बड़ी कैब बुलानी पड़ी। And फिर it was time to say goodbye to mom and dad and kickstart our journey. हाँ सर, चलिए। अभी सीधा जाओ। 15 अगस्त का दिन था। बैंगलोर में हर तरफ इवेंट चल रहे थे, but thankfully हम 1.5 घंटे में एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पे पहुंचते ही लगेज चेक इन करना शुरू किया और वहीं से शुरू होती है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी। हमारी फ्लाइट दिल्ली के लिए एयर इंडिया एक्सप्रेस से थी, लेकिन जब हम लगेज चेक इन करने गए तो उन्होंने बोला कि ये फ्लाइट उनकी नहीं है, चेक करो एयर इंडिया के साथ। फिर हम एयर इंडिया के काउंटर गए और उन्होंने हमें विस्तारा के पास भेज दिया। और परेशान होकर जब हम विस्तारा पहुंचे तो उन्होंने बोला कि निकी की फ्लाइट चंडीगढ़ के लिए बुक है, दिल्ली के लिए नहीं। हमने कहा भाई हमारा कनेक्टिंग फ्लाइट लंदन के लिए है तो चंडीगढ़ कैसे हो सकता है। फाइनली हमने विस्तारा एयरपोर्ट मैनेजर को बुला लिया जिसने ये सब कंफ्यूजन और हमें वही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट में चेक इन करवा दिया। इस चक्कर में हम इतना परेशान घूम रहे थे कि वीडियो बनाना तो दूर की बात, हम बस इश्यू सॉल्व करने में लगे थे। गॉड नोज इनके एम्प्लॉइज को ये भी नहीं पता कौन सी फ्लाइट किसके लिए है। जब दिल्ली में उन्होंने बोला कि अपना लगेज लेके फिर से सिक्योरिटी क्लियरेंस करना पड़ेगा क्योंकि ऑनवर्ड जर्नी के लिए लगेज ट्रांसफर नहीं कर सकते, तब तो हम इतने फ्रस्ट्रेट हो चुके थे कि आयु करना भी बेकार लग रहा था। चेकिंग के बाद हमने सोचा चलो T2 लॉन्च चलते हैं, रिलैक्स करते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं क्योंकि अभी कुछ घंटे थे हमारे पास। और जैसे ही हम लॉन्च पहुंचे निकी का HDFC कार्ड चल ही नहीं रहा था। मेरा कार्ड चल गया बट थैंकफुली मेरे पास एक और सिटी बैंक कार्ड, हमें एंट्री मिल गई और फाइनली थोड़ा रिलैक्स कर पाए, लेकिन अभी ड्रामा बाकी है मेरे दोस्त। हमारी फ्लाइट बैंगलोर से 10:15 को निकलना था लेकिन डिपार्चर डिले हो गई और जब तक हमने टेक ऑफ किया इट वॉज ऑलरेडी 12 PM। हमारी कनेक्टिंग फ्लाइट 3:30 PM की थी और जब हम फाइनली दिल्ली पहुंच कर गेट तक आए तब तक 3:15 PM हो चुके थे और एयर इंडिया ने हमारा बिना वेट किए ही फ्लाइट निकाल दी। इस पूरे केओस में हमें एयर इंडिया के किसॉक पे भेजा गया और अलग अलग एयर इंडिया एंटिटी का डिस्कनेक्ट ने सिचुएशन को और भी फ्रस्ट्रेटिंग बना दिया। हमें कहा गया कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के डोमेस्टिक विंग को ईमेल भेजना पड़ेगा रीबुकिंग के लिए। थोड़ी डिस्कशन और वेट के बाद फाइनली हमें बोला गया कि 1 घंटा और वेट करो बुकिंग कंफर्मेशन के लिए। बुक से मजबूर हम निकल पड़े दिल्ली टर्मिनल 2 में लंच के लिए। इंटरनल वेटिंग के बाद हमारा टिकट रीबुक हो गया फॉर अ फ्लाइट लीविंग एट 2:45 AM ऑन 16 अगस्त। फिर हमने अपना लगेज फिर से चेक इन किया, इमिग्रेशन कंप्लीट किया और ड्यूटी फ्री एरिया में थोड़ा टाइम स्पेंड किया बिफोर फाइनली रिलैक्सिंग इन द लॉन्च फॉर सम मच नीडेड रेस्ट एंड डिनर। फाइनली कोई डिले नहीं था फॉर आवर यूके फ्लाइट और हमारे चेहरे पर खुशी क्लियरली दिख रही थी जब हम अपने यूके फ्लाइट में बोर्ड कर गए।
इतने हेक्टिक ट्रैवल एक्सपीरियंस के बाद अब हम ले रहे हैं एक वेल नीडेड 9 आवर्स की। नेक्स्ट व्लॉग में हम कैप्चर करेंगे अपनी यूके जर्नी, सो स्टे ट्यून्ड एंड एज ऑलवेज रिमेंबर टू एंजॉय एवरी लिटिल थिंग इन योर लाइफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ब्यूटिफुल व्लॉग।